हेलो ऑल, माय नेम इज कृष नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे ऑटोमेटेड ईडीए यूजिंग प्रोफाइलिंग रिपोर्ट हम लोग 3 लाइन ऑफ कोड से पूरा का पूरा ईडीए ऑटोमेट किए थे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटोविज लाइब्रेरी के बारे में, जहां पे हम लोग देखेंगे ईडीए कैसे परफॉर्म करते हैं यूजिंग ऑटोविज। और ये भी एक ऑटोमेटेड ईडीए लाइब्रेरी है। और मैंने ये भी बता चुका हूँ गाइज, अगर आप ईडीए में एक्सपर्ट हैं, जैसे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में एक्सपर्ट हैं, आप इस ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अमेजिंग लाइब्रेरी का जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोविज। और आप देख सकते हैं बस 3 लाइन ऑफ कोड से हम लोग पूरा का पूरा ईडीए कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी विजुलाइजेशन डायग्राम्स आपको चाहिए वो सारा चीज़ आप डेफिनेटली देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको बोलता हूँ तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये रहा ऑटोविज के बारे में। और अगर आपको बेसिकली ऑटोविज भी सर्च करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑटोविज पाईपाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ऑटोविज पाईपाई में बेसिकली आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ मिल सकता है ऑटोविज के लाइब्रेरी से। बट अमेजिंग ईडीए लाइब्रेरी है, अच्छे अच्छे डायग्राम्स आपको आराम से मिल जाते हैं। तो यही सारे चीज़ हम लोग करेंगे। बट डेफिनेटली कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन का चाहिए आप डेफिनेटली यहाँ पे सर्च करिए पाईपाई में, नहीं तो गिटहब में जाके डेफिनेटली देखिए, ठीक है। और वीडियो के आगे जाने से पहले मैं क्विकली 2 चीज़ अनाउंस करना चाहता हूं गाइज। हम लोग iNeuron में 2 अमेजिंग कोर्सेज लाए हुए हैं रिसेंटली। एक है डेटा साइंस इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट और एक है फुल स्टैक डेटा साइंस जॉब गारंटेड प्रोग्राम। तो पहली बात तो मैं स्टार्ट करता हूं डेटा साइंस इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स का। और यहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पढ़ते हैं, बट स्टिल उन लोगों को एक इम्प्लीमेंट, एंड टू एंड इम्प्लीमेंट, प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है। तो उन लोगों के लिए हम लोग ने ये 4 to 5 मंथ्स का कोर्स लाया हुआ है, जहाँ पे हम लोग 5 अमेजिंग प्रोजेक्ट्स जो एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे डेटा पाइपलाइन आर्किटेक्चर भी बनाने का, और उसके अलावा जो बाकी सारे पाइपलाइंस है वो सारे चीज़ भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 प्रोजेक्ट, सेंसर फॉल्ट डिटेक्शन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट कंप्लेंट, फेस ऑथेंटिकेटर, एम्बेडिंग्स बेस्ड सर्च इंजन, AI हाइब्रिड रिकमेंडेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेप्स, अमेजिंग स्टेप्स हम लोग करवाते हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स में, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आप लोग इंडस्ट्री रेडी हो। तो ये रहा पहला प्रोजेक्ट। आपको बस कूपन कोड क्रिस्टन यूज करना है तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक क्विक अनाउंसमेंट है, जो हम लोग किसी को भी डेटा साइंस सीखना है फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक, हम लोग लाए हैं फुल स्टैक डेटा साइंस बूट कैंप 2.0 विद जॉब गारंटेड। तो डेफिनेटली ये कोर्स चेक करिएगा, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और ये एक जॉब गारंटेड कोर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है। और हम लोग ऑब्वियसली इसमें ये बोलते हैं कि भाई अगर आप ये प्रॉबेबली 40% ऑफ द असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप कंप्लीट कर देते हैं, देन we will be providing you jobs referrals, जहां पे आप अप्लाई करके ऑटोमेटिकली इंटरव्यू दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं ऑटोविज लाइब्रेरी के बारे में। ऑटोविज लाइब्रेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इन शॉर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंस्टॉल करेंगे ऑटोविज, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लिखना है पिप इंस्टॉल ऑटोविज। तो ये आप एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिख रहा है डेफिनेटली, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर चुका हूँ। अब मैं ऑब्वियसली कहीं से डेटा सेट ला सकता हूँ, नहीं तो डायरेक्टली कोई भी डेटा सेट ला सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी गूगल कोलैब खोलेंगे ना, यहाँ पर एक सैम्पल डेटा फोल्डर होता है, और सैम्पल डेटा फोल्डर में आपको कैलिफोर्निया हाउसिंग _ टेस्ट, train.csv, एमनेस्ट, सारे डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। तो हम लोग ये डेटा सेट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपना खुद का डेटा भी बना सकते हैं, या जो भी लाइब्रेरीज में डेटा सेट अवेलेबल है वो भी आप ला सकते हैं, या अगर आपको कहीं रेफ़र करना है कैगल वैगल, वो वाला डेटा भी आप यूजली रेफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग सीबॉन को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ लोड डेटा सेट को, बेसिकली टिप्स डेटा सेट मैंने लिया है, और df.head कर लीजिए। उसके बाद ये पूरा का पूरा डेटा सेट है, इसको आपको CSV फॉर्मेट में सेव करना है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑटोविज एक्सपेक्ट करता है कोई फाइल फॉर्मेट में उस स्पेसिफिक डेटा सेट आए। अब इस केस में आप देख सकते हैं tips.csv मैं यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा tips.csv। बट ये एक तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसा CSV डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, बट उसके अलावा जो CSV डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू परफॉर्म EDA ऑटोमेटेड EDA इन जस्ट 3 लाइन्स ऑफ कोड यूजिंग AutoViz। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने AutoViz को इंपोर्ट कर दिया है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं AutoViz क्लास। तो ये वाला इंपोर्ट कर दिया, हम लोग ने इसको इनिशियलाइज करना है। और इसके बाद जो भी आपका फाइल नेम है, अब इस केस में मैं कैलिफोर्निया हाउसिंग _ train.csv ले रहा हूं जो सैंपल डेटा के अंदर है। ठीक है, तो ये वाला पाथ मैंने सेम ऐसे ही ले लिया है। सेपरेटर मेरे को पता है कौन सा टाइप का सेपरेटर है, ये एक CSV फाइल सेपरेटर है। अगर मेरे को ये भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स ना इसके अंदर आता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये CSV वाला ही लेता है। उसके बाद मैंने बस लिख दिया av.autoviz विद द फाइल नेम। तो ये ऑटोमेटिकली बस ये 3 लाइन ऑफ कोड, और मैंने ये मैटप्लॉटलिब इसलिए इनिशियलाइज किया है क्योंकि मेरे को अपना विजुलाइजेशन डायग्राम यहीं देखना है। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब इनलाइन भी मैंने लिख दिया है। बस यही लाइन ऑफ कोड मैं एग्जीक्यूट कर देगा जहाँ पे मेरा CSV फाइल है और जहाँ मेरा फाइल नेम है। मैंने पाथ देख लिया यहाँ पे और जस्ट मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो आप देखिए फटाक 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 कैसा EDA बनता है। ठीक है, और यहाँ हम लोग बात भी करेंगे पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ आप देखिए 17,000 रिकॉर्ड है। ठीक है, मामूली नहीं है गाइस, 17,000 रिकॉर्ड्स एंड इन जस्ट कपल ऑफ सेकंड्स आपको पूरा का पूरा EDA मिल जा रहा है। और आपको क्या चाहिए गाइस, है ना, काफी अमेजिंग टूल है ये AutoViz। मेरे को AutoViz बहुत ही पसंद लगा क्योंकि यहाँ पे 17,000 रिकॉर्ड्स है, 9 कॉलम्स है, और ये ऑटोमेटिकली 3 सेकेंड में देख लीजिए पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मीडियन इनकम क्या है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स क्या है, ये सारा चीज, क्यूड कॉलम है कि नहीं, यहाँ पे देखिए सारा इन्फॉर्मेशन निकल गया है। और यही रिपोर्ट चाहिए होता है कोई भी एक डेटा एनालिस्ट को, कोई भी एक स्टेक होल्डर को। ठीक है, क्योंकि वो लोग डिसीजन ले पाते हैं। और डेटा साइंटिस्ट के लिए अगर ये काम इजी हो गया उसका बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे देखिए पेयर वाइज स्कैटर प्लॉट फॉर ऑल कंटिन्यूस वेरिएबल। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, हाउस मीडियन एज के हिसाब से, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, टोटल रूम्स लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड टोटल बेडरूम्स के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड हाउस होल्ड्स के हिसाब से, पॉपुलेशन लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सब कुछ मिल गया है। ठीक है, तो ये रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद आपका आता है डिस्ट प्लॉट, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, है ना। बॉक्स प्लॉट क्यों यूज़ करते हैं, आउटलायर्स देखने के लिए। प्रोबेबिलिटी प्लॉट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखना है अगर कोई वेरिएबल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। इन शॉर्ट QQ प्लॉट बनाया हुआ है, राइट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है EDA में। इसने क्या कर दिया, सारी चीज़ों को कंबाइन करके ऑटोमेटेड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, यहाँ पे देखिए काफ़ी आउटलायर्स हैं, है ना, काफी आउटलायर्स है इधर। और यहाँ पे देखिए टोटल बेडरूम्स भी, ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो कर रहा है। हाउस मीडियन एज का बॉक्स प्लॉट, यहाँ पे कोई आउटलायर्स नहीं है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा बहुत सारे डेटा पॉइंट्स बेसिकली है ना, ये लाइन पे थे, बट यहाँ से देखिए राइट साइड में आ रहा है। तो ये प्रॉबेबली हम लोग नहीं बोलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लियरली मिल रहा है। ठीक है, और ये वाला वायलेंट प्लॉट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड से आप देख पाए कि कैसा दिखता है। ये आपका कोरिलेशन प्लॉट विद ऑल द वैल्यूज। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट प्लॉट्स है ना, आपको बस ये 3 लाइन ऑफ कोड में आपको दे दिया है। और सबसे अमेजिंग थिंग ये है कि आपका जो डेटा सेट था 17,000 डेटा पॉइंट्स था। ठीक है, और ये देखिए कितना फास्ट इसको बेसिकली इसने EDA परफॉर्म किया। तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ यूज करना चाहिए अगर आप EDA में परफेक्ट हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, समझिए, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और उसके अलावा आप डेफिनेटली iNeuron के सारे कोर्सेज को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा। सो दिस वॉज इट फॉर माई साइड, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वंडर, बाय।